आज मैं बिना प्याज और लहसुन का मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये सारी सब्जियाँ ली हैं। ये आलू है, इसे भी मैंने पतले पतले लंबे लंबे काट लिए हैं। गोभी, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। ये थोड़ा फ्रेंच बीन है। ये गाजर, थोड़ा बीटरूट है, इसे मैंने ग्रेट करके रखा है। थोड़ा मटर, थोड़ा शिमला मिर्च, और ये अदरक है, इसे भी मैंने बारीक ग्रेट किया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च है। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इतनी सारी सब्जियों के साथ ये मिक्स वेज बनाऊंगी, और वो भी बिना प्याज लहसुन का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है और उसमें थोड़ा तेल डाले, और ये मैं चेक कर रही हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को इसमें थोड़ा फ्राई करेंगे। आलू थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद इसमें गोभी भी डाल देंगे, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है फ्राई होने में। आलू थोड़ा सा फ्राई हो चुका, अब इसमें मैं गोभी डाल रही हूँ। गोभी भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो इन दोनों चीज़ों को निकाल लूँगी। ये आलू और गोभी जो फ्राई हो चुका, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल कर फिर इसी तेल में हम गाजर और बीन्स को भी फ्राई कर लेंगे। गाजर और बीन्स थोड़ा कम टाइम लेता है फ्राई होने के लिए, इसलिए इसे अलग से फ्राई करेंगे। मैंने इसमें से निकाल लिए, अब इसी में गाजर और बीन्स डालेंगे। और आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी फ्राई होता है, उसे मसाले के साथ ही भूनेंगे। गाजर और बीन्स भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। इसे भी इस तरह से निकाल लेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डीप फ्राई है, बट बहुत ही कम तेल में ये फ्राई हुआ है। देखिए पूरा का पूरा तेल बचा हुआ है। आप बाकी तेल को निकाल लेंगे और थोड़े से तेल में हम मसाला फ्राई करेंगे। अब इस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है, बाकी जो तेल ज़्यादा था उसे निकाल लिए। अब इसमें तड़के के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मेथी डालते हैं। मैंने दो तेज़पत्ता डाला, दो लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, दो चार लौंग, थोड़ा जीरा, और थोड़ा सा ये सौंफ भी डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें मैंने टोमेटो का प्यूरी बना कर रखा है, इसे इसमें डाल देंगे। और टमाटर प्यूरी के साथ ही इसमें मसाले भी डालेंगे। मसाले में मैं करीब एक चम्मच धनिया डाल दी हूँ, आधा चम्मच जीरा है, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मसाला थोड़ा भून गया है, अब इसमें हम दो बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही फ्रेश होना चाहिए, इसमें खट्टा दही एकदम नहीं डालेंगे। दही थोड़ा फ्रेश और मीठा दही होना चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसके साथ ही इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने अलग से नहीं भुना था, तो इसे अभी मसाले के साथ ही भुनेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। और ये ग्रेटेड अदरक भी डालेंगे और बीटरूट जो मैंने ग्रेट करके रखा है इसे भी डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिला के थोड़ी देर भूनेंगे। बीटरूट डालने से देखिए कलर ही अच्छा हो जाएगा, और बीटरूट ऐसे तो हम लोग खाते नहीं हैं, बच्चों को तो एकदम ही पसंद नहीं है, बट इस सब्ज़ी में अगर आप उन्हें देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बीटरूट भी है, और बड़े पसंद से वो खाएंगे। ये मसाला भून चुका, ये देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें जो सब्ज़ियाँ हम फ्राई करके रखे हैं उन सारी सब्ज़ियों को इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैं आलू और गोभी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। फिर ये गाजर, फ्रेंच बीन और मटर, इन सारी सब्जियों को इसमें डालेंगे। देखिए कितना कलरफुल और मिक्स वेज बनकर तैयार होगा। इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। मैं तो इसमें करीब एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिए। और इसमें जो हरी मिर्च काट के रखे थे उसे भी इसमें मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें करीब हम एक गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ा तीखी रखना है। सब्जियां तो वैसे फ्राई हो चुका है, बट इसे थोड़ी देर इसमें पकाएंगे ताकि सब्जियों के अंदर तक ये मसाले चले जाएं। और इसे मैं पानी डाल रही हूँ और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ढकने से पहले इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी का डालेंगे। इसे मैं क्रश करके इसमें डालूंगी। कसूरी मेथी है, इसे थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे पकने के लिए। ये 10 मिनट हो चुका और मैंने ये ढक्कन हटाया। ये देखिए सब्जी का कलर कितना प्यारा सा कलर आया है। और दिस